अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये है बीन और ये है सेम, इसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं और मैं इसकी आज ये सूखी सी सब्जी बनाऊंगी जो कहीं बाहर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैंने आलू ले लिया है 3 और टमाटर ले ली हूँ और इसको मैं कट करके स्लाइसिस में कट करूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, आलू जो है पानी नहीं डालना है, आलू को इसी तरह गलाना है तेल में ही। तो मैंने इस तरह का आलू कट करके ले लिया है। अब मैं चलती हूँ इसके कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। नहीं तेल ज़्यादा लगेगा नहीं तेल कम लगेगा, जितना कुकिंग के लिए लेते हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि तेल में ही सब सब्जी गलेगी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच तेल ले लिया है, इसको खूब अच्छी तरह से गर्म होने देना है। गर्म हो जाएगा तो इसमें हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 सूखी मिर्च लाल वाली और जीरा ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। आप यहाँ कच्ची जो हरी मिर्च आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं रेड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा कलर आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जीरा थोड़ा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें सब्जी ऐड कर देना है। ये बीन और सेम दोनों एक ही साथ ऐड करना है और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, अच्छे से एकदम सॉटी करेंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन 2 चम्मच ली थी और इसी सब्जी के साथ अदरक लहसुन पेस्ट को भी थोड़ा भूनना है। थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें 3 से 4 प्याज जुलरिन कट करके डाल देंगे। इस तरह मैं साथ ही काट रही हूँ, 3 से 4 मैं ली थी प्याज। में तो ग्रेवी ऐड करना नहीं है, तो प्याज डालने से जब प्याज थोड़ा गलेगा तो सब्जी में लसपन आ जाएगा, लसदारपन। ये सब्जी सफ़र में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी है, कोई गिरने उड़ने का झमेला नहीं रहता है, आराम से भी इसको ले जा सकते हैं और रोटी पराठा के साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भूज गया था तो मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, ये सब। सबसे खास चीज़ में मैं इसमें जो सब्जी मसाला एवरेस्ट का सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी टेस्ट आता है। ये एवरेस्ट का सब्जी मसाला है, इसको मैं 1 टेबल स्पून अंदाज से मैं इसी चम्मच पे लेके डाल रही हूँ। इसी से सब्जी में काफ़ी टेस्ट आता है और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि इसमें मसाला का कोटिंग सब सब्जी में अच्छी तरह हो जाए। और बीन तो गलने में टाइम लगता है, इसी दौरान मैं आलू ऐड कर दूँगी। मैं आलू जो स्लाइसेस में कट की थी इसको ऐड कर दूँगी इस दौरान और अच्छे से हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। और ये थोड़ा सा इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो मैं आलू को ढक के पका ली थी तब इसमें टमाटर मैं ऐड कर दूँगी। टमाटर पहले डाल देने से आलू जल्दी गलता नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा आलू पका ली। उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर डालने के बाद फिर अच्छी तरह सब मिक्स कर दूँगी पूरे सब्जी को अच्छी तरह से कि टमाटर चारों तरफ चले जाए, उसका जो है जूसीपन जो है खट्टा खट्टा वो सारे सब्जी में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं ढककर हाई फ्लेम और हाई टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद देख लूँगी आलू गल गया टमाटर गल गया है तो मैं इसको लो फ्लेम पे एकदम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट और छोड़ दूँगी। एकदम आलू अच्छी तरह से गल जाएगा तो इसको बंद कर देना है। पत्ता इसमें ऑप्शनल है तो घर पे डाल दीजिए, नहीं तो कोई नहीं डाल भी सकते, नहीं भी डाल देने से थोड़ा सा फ्लेवर में फर्क आ जाता है। लोग देख सकते हैं मैं इसमें जरा भी पानी ऐड नहीं की हूँ, ये सब्जी अपनी पानी से और भाप से गल गई है अच्छी तरह से। आलू भी इसमें अच्छी तरह से गल जाता है, सिर्फ फ्लेम को लो रखना है, हाई नहीं करना है, हाई में जल जाएगा और पकेगा भी नहीं अच्छे से। तो मैं इसको लो करके ही पकाई हूँ और इस तरफ मैं दाल का तैयारी कर रही हूँ, दाल के छौंक का। तो मैं दाल बॉईल कर ली थी, उसमें सिर्फ छौंक लगाना था, ऐसी मैं सोची कि दाल सिंपल हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा सा छौंक लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। सरसों तेल में मैं एक लाल मिर्च को तोड़ कर डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें जीरा होल जीरा भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से थोड़ा लाल हो जाएगा तो मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दूंगी। और इसमें जो है मैं दाल में इसको डाल दूंगी डायरेक्ट, और दाल जब डाल दूंगी तो उसमें मैं एक सीटी लगा दूंगी कुकर में। तो मेरा किचन यहाँ पे है और इंडक्शन यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ दाल में डालने के लिए, दाल बॉईल करके रखी थी
किचन बहुत ही छोटा है इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इंडक्शन यहाँ पे है, गैस वहाँ पे है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं एक सीटी लगा लूँगी कि थोड़ा सा पक जाएगा और अच्छे से जो इसमें टेस्ट आ जाएगा। दाल में मैं एक वेसल लगाऊंगी, जीरा और जो मिर्च का जो है सौंधा सौंधा खुशबू इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो हमारी ये बीन और सेम की सूखी सी सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घर पे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हो ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएगी। तो जी फिर मिलेंगे नए नए वीडियो में नए नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए अल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।